ट्रेनिंग में छोड़ दीजिए, आपको दो चीजों को फेस करना होता है, पहली आपकी थ्योरी, दूसरा आपका क्या है प्रैक्टिकल, ठीक है। तो उसी प्रैक्टिकल में हमने एक जो है अजय से पीपीटी बनाने के लिए बोला था, तो इनका जो टीएम प्रैक्टिकल का जो टॉपिक है वो है रोटरी पंप, ठीक है। तो रोटरी पंप से संबंधित क्या क्या चीजें हैं या रोटरी पंप को आसान भाषा में समझना है, तो इन्होंने जो पीपीटी तैयार की है जिसको हम लोग लेसन प्लान या फिर टीचिंग मटेरियल भी बोल सकते हैं, तो उसके बारे में ये बताएंगे, तो आप लोग जो है इसको समझना है इसको, ठीक है। कंटिन्यू करो, आज हमारा टॉपिक है रोटरी पंप। आज हम रोटरी पंप के बारे में पढ़ेंगे, रोटरी पंप क्या होता है, कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। रोटरी पंप के ऊपर मैंने पीपीटी बनाई है, तो तैयार की है, जो भी मैं आपके सामने इसको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये नाम है, फिर अपना वेबसाइट ट्रेड है, प्लम्बर, गोलाकार रोटर होता है, जो एक बड़े गोलाकार कुआ के अंदर घूमता है।
सफर है जिससे दृष्टता उत्पन्न होती है। वेंच रोटर के काटे गए स्लॉट में लगाया जाता है। इन स्लॉट के भीतर वेंच को एक निश्चित सीमित सीमा की गति की अनुमति दी जाती है ताकि रोटर के घूमने पर वेगो हाथ की दीवार के साथ संपर्क बनाए रखे। वेंच को स्प्रिंग गुरुत्वाकर्षण या केंद्र बल से जैसे माध्यम में से ऐसे संपर्क बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। दिया जाता है। वेंच की क्रिया प्रत्येक घुमाव के साथ